हेलो फ्रेंड्स, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 से संबंधित एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, काउंसलिंग से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत, 21 अक्टूबर तक नियुक्ति देने के आदेश, तो इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए दोस्तों, ये है आज की न्यूज। काउंसलिंग से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत, 31 अक्टूबर तक नियुक्ति देने के निर्देश। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय भर्ती के व्हाट्सएप पर पेपर लीक का मामला। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक 2018 के हिंदी विषय का जो भर्ती पेपर है वो व्हाट्सएप पर लीक हुआ था, वो मामला है। तो उसमें जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनको जो हाई कोर्ट ने राहत दी है उस संबंध में ये पूरी न्यूज है। तो देख लेते हैं। वर्ष 2018 की वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण काउंसलिंग और मंडल आवंटन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक नियुक्ति व पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और मंडल आवंटन नहीं हो पाए थे उन अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है कि 31 अक्टूबर तक उनकी नियुक्ति और पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इसके लिए आरपीएससी को आवश्यक प्रक्रिया 7 सितंबर तक पूरी कर याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के नाम शिक्षा विभाग को भेजने को कहा है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने बाड़मेर जिले के सोहनलाल व सरिता सहित 9 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाएँ मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवकी नंदन व्यास ने पैरवी करते हुए कहा कि सभी याचिकाकर्ता वर्ष 2018 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान बाड़मेर के माधव महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र से हिंदी विषय का पर्चा कथित रूप से व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इसको लेकर पुलिस में FIR भी दर्ज हुई, लेकिन जाँच के बाद पुलिस ने प्रकरण में FIR लगा दी। लेकिन फिर भी RPSC ने याचिकाकर्ताओं का परिणाम ही घोषित नहीं किया। वहीं अब राज्य सरकार ने मंडल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इससे भी वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने RPSC व सरकार के इस निर्णय को याचिकाकर्ताओं के संवैधानिक अधिकारों के विपरीत बताया। इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायाधीश मेहता ने स्पष्ट कहा कि पुलिस द्वारा FIR पेश करने के बाद अब याचिकाकर्ताओं का भविष्य अधर में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने RPSC और सरकार के निर्णय को अनुचित मानते हुए RPSC को 7 सितंबर तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों के नामों की राज्य सरकार को अनुशंसा करने तथा राज्य सरकार को RPSC द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर तक नियुक्ति व पदस्थापन देने के आदेश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति FIR के संबंध में निचली अदालत के निर्णय से प्रभावित रहेगी। हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से भी FIR के संबंध में त्वरित निर्णय करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जिनका इस मैटर से संबंध है, यानी हिंदी विषय के वो अभ्यर्थी जिनका इस केंद्र पर एग्ज़ाम लगा था और वहाँ पर वो इस काउंसलिंग से वंचित रह गए थे। तो दोस्तों, उनके लिए राहत भरी खबर यह है कि 31 अक्टूबर तक उनको नियुक्ति देने का आदेश जो है वो हाईकोर्ट द्वारा दे दिया गया है। तो यही थी आज की खबर। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।